घर का चिराग जलता रहे, बचा रहे। खैर कई बार ऐसी स्थितियां भी आ जाती है, उनके खैर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही परिणाम है। कई बार तो राधे राधे, अब भीड़ उग्र हो जाए तो फिर वहां से खिसक लेने में ही भला ही है। तो बंधुओं, अधिकतर सच की विजय होती है, मानवता जहां होती है, और अगर आपने गलत नहीं किया तो बंधुओं दुनिया आपके साथ ना हो कोई बात नहीं, वो ईश्वर आपके साथ है। और जो बंधुओं लिखा है वो होकर के रहेगा, वो मिटने वाला नहीं। मेरे ठाकुर विवाह हुआ, और देखो कई लोग अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन देखिए हिम्मत मेरे ठाकुर की। मेरे ठाकुर कुंडिनपुर में पहुंच गए बिना कोई हथियार लिए, बिना कोई सेना लिए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्तियों का हथियार बंधुओं बुद्धि हुआ करता है। और जिसके पास में दिमाग नहीं वो बंधुओं हथियार क्या, वो अगर तोप भी अपने पास में रख लेना तो भी कोई फायदा नहीं। हाँ, और जिस व्यक्ति के पास में बुद्धि है उसे हथियार की जरूरत नहीं। और बंधुओं देखो, आज के समय में चलो ठीक है, गृहस्थी लोग हथियार रखें तो चलता है, उनको अपनी सुरक्षा के लिए चाहिए। ये हमारी जो साधु महात्माओं की जो श्रृंखला है ना, इसमें भी राधे राधे हथियार रखे जाते हैं। अब आप मानिए वो शख्स साधु हो सकता है जो हथियार अपने पास में रख रहा है। हथियार उठाना चाहिए, संतों को भी उठाना चाहिए, रखना भी चाहिए, लेकिन कब और किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। ऐसा नहीं है कि साधुओं को हथियार नहीं उठाना चाहिए, उठाना चाहिए, बिल्कुल उठाना चाहिए। परशुराम ने उठाया, क्यों उठाया? धर्म की रक्षा के लिए। और धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठा लेना बिल्कुल भी पाप नहीं है। लेकिन जो ना धर्म की रक्षा कर रहे हैं बल्कि अपितु धर्म को खोखला कर रहे हैं, धर्म को लूट रहे हैं, वो लोग मेरे दिमाग से वो लोग सही मायने में संत नहीं हो सकते। एक बार मैं गया किसी संत के यहाँ, इंटरनेशनल जो लिखने वाला था। अब मैं ठहरे भैया ब्रजवासी, और पहली बात हम लोगों को हथियार की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ठाकुर पे एक ही हथियार था, बांसुरी ऐसी बजा देते थे साले सब हथियार फेल हो जाते उनकी। हाँ नहीं, उनकी एक मुस्कुराहट पर लाखों मर जाते थे बिना मारे। तो बताया उसका सिक्योरिटी गार्ड, वो कमांडो मेरे से पूछता है, अरे बाप महाराज कोई हथियार वतियार तो नहीं लेकर के आए? मैंने कि भैया नो बताए, अरे हमारा और हथियारन को कहाँ मेल? नहीं नहीं आजकल साधु महात्मा रखते हैं। पहली बात तो खैर तू सही कह रहे हो कि साधु महात्मा रखते हैं, पर मैं बताऊं कौन से साधु महात्मा रखे हथियार? बोले कौन से रखते में भी जो सबसे बड़ो गमारो हो, हाँ जाए आतंकवाद फैलानो हो, बुर रखे वो। अरे हम शांति के दूत हैं, शांति की प्रक्रिया हम लोग चाहते हैं कि हथियार से शांति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। शांति में जीने वाले व्यक्ति को हथियार से 100 किलोमीटर दूर रहना चाहिए, और हथियार अगर आपके पास में है तो निश्चित है वो आपके जीवन में, आपने चाहे वो शांति के लिए रखा है, शांति तो नहीं आएगी लेकिन क्रांति जरूर ले आएगा, किसी ना किसी दिन वो जरूर चलेगा। क्योंकि तुम्हारा कंट्रोल जब अपनी बुद्धि पर नहीं है तो हथियार पे कहां से कर पाओगे? प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे बांसुरी वाले ने बिल्कुल नहीं सोचा कि तू कुंडिनपुर जा रहा है और वहां भी ऐसा काम करने के लिए जा रहा है कि तू दूसरे की छोरी लेके भाग के आवे। वो मकचू लफड़ो है जाए, मारकूटे है जाए, क्यों जी? ठाकुर को कोई परवाह नहीं, मेरे ठाकुर गए। और बंधुओं शेर दिल लोगों की यही पहचान हुआ करती है, वो दुश्मन के घर में भी बिना हथियार के प्रवेश कर जाया करते हैं। प्रेम से बोलो राधे। भैयाओं, मेरे ठाकुर ने रुक्मणी को मंदिर से, जैसे जैसे रुक्मणी ने बताया वैसे अगर देखा जाए परीक्षित को, तो इस बात
को सुन करके अच्छा नहीं लगा। बोले भगवान ने ऐसा विवाह क्यों किया, ये विवाह तो राक्षसी विवाह है, किसी की लड़की को भगा करके ले जाना ये गलत है, ऐसे ठीक नहीं है, भगवान ने ये क्यों किया। तो सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, दूसरे की लड़की को जबरदस्ती भगा करके ले जाना, उसकी मर्जी के खिलाफ भगा करके ले जाना, ये राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। और अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ जा रही है तो ये गंधर्व विवाह प्रेम विवाह में आता है। मेरे ठाकुर से रुक्मणी प्रेम करती थी और रुक्मणी ने बकायदा संदेशा लिखवा करके लिख करके भेजा है। और बंधुओं ये संदेशा किसी साधारण स्याही से नहीं, रुक्मणी जी ने अपने रक्त से लिख करके भेजा है। और पता है क्या लिखा है कि श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर तृणवताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतो तापम। कान्हा जब से तुम्हारे गुणों को सुना है मेरा मन मेरा तन आपके लिए समर्पित हो चुका है। निर्विश्य कर्ण विवरई हरतो तापम। और मैंने आपके गुणानुवाद को जब से सुना है मेरे शरीर में एक तरह की शांति आ गई है। हरतो तापम, मेरे देह का जो ताप है वो खत्म हो गया है। रूपम दृशादृशि मताम अखिलार्थ लाभम तो चित्र मपत्र पम्मे। हे गोविंद, हमेशा आपका चिंतन करती रहती हूं। अब जब मेरा तन और मन आपके लिए समर्पित हो गया, मैंने आप कर दिया, तो अब इस शरीर पर अधिकार है तो आपका है, और किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। आप आ जाइए, मेरे ठाकुर आ गए। आपको अगर डर लगता हो पत्र में लिखा है गौरा मैया का पूजन करने के लिए मैं जाऊंगी, और वहां पर सैनिकों को भी आदेश है कि वहां पर सैनिक हथियार लेकर के नहीं जाएंगे। आज लोग मंदिरों में हथियार लेकर के प्रवेश कर जाते हैं, जबकि बंधुओं हमें अपना पद और अपना अभिमान और बंधुओं अपने हथियार ये सब मंदिर के बाहर रख करके जाने चाहिए। और ये सारी चीजें अगर देखना है तो हमारे ये रामकृष्ण के मंदिर में देखने को कम मिलेगी ये सारी बातें। आप जाओ अमृतसर, वहां जाकर के देख करके आओ, आपकी बेल्ट भी रखवा लेंगे, आपका पर्स भी रखवा लेंगे, आपके जूते भी उतरवा देंगे और आपके हथियार भी अलग रखवा देंगे, तब मंदिर में प्रवेश किया जाता है। हर मंदिर का नियम यही होना चाहिए। और यही नियम होता है कि हम मंदिर में प्रवेश करें तो मंदिर में प्रवेश करने का तरीका है। कई लोग तो राधे राधे जूते चप्पल पहन करके घुस जाते हैं। जूते चप्पल क्यों उतारने चाहिए, कई लोग प्रश्न कर देते क्यों उतारे जूते चप्पल। भाई तू रास्ते में चल के आया है, दुनिया भर की गंदगी लगी हुई है चरणों में तेरे, ये जो जूते हैं ये लेदर के हैं, चमड़े के हैं, पता नहीं किस किस गंदगी से तू निकल करके आया है, कम से कम जूते तो बाहर उतार कम से कम। और जूते उतार, कई लोग उतार भी देते तो हाथ नहीं धोते, हाथों से उतार तो देंगे लेकिन नहीं धोएंगे, नहीं हाथ से नहीं उतारे, कई लोग पैर से भी उतार देते। भाई तेरे मोजे को अगर कोई सूंघेगा तो उल्टी कर जाएगा, इतनी बदबू आ रही है। नहीं, मंदिर में प्रवेश करो जूते चप्पल छोड़ करके, मंदिर में प्रवेश करो ये बेल्ट वगैरह, ये पर्स वगैरह जो चमड़े का सामान सब अलग रख करके, हाथ पैर धो करके तब प्रवेश करना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करो, माथे पे पहले तिलक लगाओ तब प्रवेश करो। हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा है सबको पालन करते हुए जब हम लोग प्रवेश करेंगे ना तो बंधुओं फिर एक बात अलग ही होगी। और कहा भी है अगर संत से मिलना हो, मंदिर में जाना हो या किसी सत्कर्म के लिए जाना हो तो क्या करना चाहिए कि संत मिलने को चालिए अजमाया अभिमान, जो जो पग आगे रखे कोटिन यज्ञ समान। माया दूर रखो और अभिमान दूर रखो, ये छोड़ करके अगर जाओगे तो बंधुओं मंदिर में जाकर के शांति मिलेगी, संत के पास में जाकर के शांति मिलेगी। और अगर इन चीजों को साथ लेकर के गए तो शांति मिलने वाली नहीं है। आज रुक्मणी मंदिर गई, पूजा की, बाहर निकली, देखा मेरे सांवरे सलोने खड़े हैं, बंधुओं गले में माला डाल दी,
कल आपने दर्शन किए। बोलो रुक्मणी वल्लभ लाल की जय। मेरे ठाकुर ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथ पर बिठाया, लेकर के वहां से भाग गए। और इधर क्या हुआ बंधुओं, ढोल नगाड़ों की आवाज उससे कुंडिनपुर गुंजायमान हो रहा है। शिशुपाल बंधुओं सुंदर घोड़े पर है, छत्र लगा हुआ है, बड़े धूमधाम से बारात चढ़ रही है, आनंद ही आनंद छा रहा है। अब बंधुओं किसी सेवक को पता चला, इधर से जब ठाकुर रुक्मणी को लेकर के भागे ना, तो बंधुओं सैनिक तो वहां पर थे, ऐसा नहीं था सैनिक नहीं थे। कई सैनिकों ने रोकने की कोशिश की और कईयों ने सोचा कि भाग जाने दो, बड़ी सुंदर जोड़ी है। हाँ, शिशुपाल रुक्मणी के लायक नहीं है। अगर रुक्मणी के लायक है, लक्ष्मी के लायक, तो बंधुओं नारायण ही है। और बंधुओं कुछ लोगों को ठाकुर जी ने अपनी मोहनी मूरत सांवरी सूरत से ऐसा बेहोश किया, और रुक्मणी को कुछ सेवकों ने तो आज पहली बार देखा है, और इतनी सुंदर है रुक्मणी कि कई लोग तो मूर्छित हो गए उनकी सुंदरता को देख करके। अब समझ लीजिए कि मेरे सांवरे सलोने कितने सुंदर होंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और रुक्मणी का वरण बंधुओं, लक्ष्मी का वरण तो मेरा सांवरा सलोना ही कर सकता है। शिशुपाल जैसे पापी लोग कहाँ, लक्ष्मी पापियों के यहाँ नहीं। बंधुओं लक्ष्मी तो ठाकुर के नारायण के चरणों में वास किया करती है, उनके चरणों में ही वो स्थिर होकर के रह सकती है। शिशुपाल के यहाँ अगर रहेगी तो स्थिर नहीं रहेगी, चली जाएगी। शिशुपाल जैसा पापी प्राणी, उससे तो बंधुओं लक्ष्मी बहुत दूर रहा करती है। भैया शिशुपाल का तो राधे राधे वो मुकुट कहाँ गिरा। शिशुपाल ने अब राधे राधे वहां पर जितने भी जो बराती थे, वो बराती नहीं सब सैनिक थे, तैयारी करके आए थे। इनको पहले से ही डर था कि नंदलाल ना आ जाए, कहीं रुक्मणी को ना ले जाए। बंधुओं किसी भी काम को करने से पहले ना हमारे विचार बता देते कि ये काम सफल होगा या निष्फल होगा। अगर हमारे दिमाग में किसी काम को सोचने से पहले पॉजिटिव थिंक हो जाए, अनुकूल सोच हो जाए, तो समझ लेना प्रसन्नता मन में हो, अनुकूल सोच हो, तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, ये पक्की बात है। और अगर अगर तुम्हारे दिमाग में काम करने से पहले कैसे होएगा, धुंधली की तरह विचार आ जाए कि फले तो खाए लूं, छोरा होएगा, पेट मोटा होएगा, गम में आग लग गई, अरे काई को लगेगी गम में आग, है चोर आए गए, अरे काई को आएंगे, कोई जरूरी है, अरे भैया कम से कम सोच तो अच्छी रख करके चलो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं काम करने से पहले उल्टा सोचना शुरू कर देते, ऐसो तो नहीं जाएगो, ऐसो तो नहीं जाएगो, चो होएगो, ऐसो बिल्कुल ना होएगो। आप हिम्मत करके पूरे जोश के साथ में काम करिए। काम निष्फल कब होता है, जब तुम उत्साहहीन हो जाते हो, काम के प्रति लापरवाह हो जाते हो, काम में समर्पण नहीं होता, बुद्धि नहीं लगाते और राधे राधे पूरे जोश और होश में काम नहीं करते, तो आप निश्चित ही असफल होंगे। जोश के साथ होश से काम करो, आप असफल हो ही नहीं सकते हैं। प्रेम से बोलो राधे। बंधु सत्यभामा ठाकुर ने कल्प वृक्ष को खाड़ा ले चले। बंधुओं इंद्र युद्ध करने के लिए आ गया, मेरे ठाकुर ने पराजित कर दिया। कल्प वृक्ष को लाकर के सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। अब तो पृथ्वी की शोभा और बढ़ गई। पता है सत्यभामा इस वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने पूजन किया नारायण भगवान का, और एक ब्राह्मण का भोजन कराना चाहती है। नारद बाबा को बुला लिया मेरे ठाकुर ने। क्यों बुलाया जी? इसलिए बुलाया कि सत्यभामा ना सबसे चर्चा करती फिर रही है, मैं स्वर्गलोक घूमी है, वहां जाकर के मैंने ये देखा। अब ठाकुर ने कहा कि मेरी तो बीवी 16107 और भी है, और इन सब ने जिद पकड़ ली कि हमें स्वर्गलोक जाना है, तो मेरी जिंदगी तो राधे राधे कैसे पार हो लेगी, एक बुलाऊंगा गड़बड़ हो जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए बंधु नारद बाबा को बुला लिया। बोले नारद जी अब आप ही संभाल सकते हो खेल को। नारद बाबा आ गए, भोजन किया। सत्य बाबा कहने लगी तुम विप्रदेव ये बताइए दक्षिणा में क्या लोगे, आपका आपकी क्या प्रिय वस्तु दे। नारद जी ने कहा देवी आप ये मत पूछिए कि क्या दे, अगर हमने मांग लिया आप दे नहीं पाओगी। बोले नहीं नहीं महाराज, अब सत्य बाबा को गर्व है कि मेरे प्राण प्रियतम जो कि लक्ष्मी पति है
और पृथ्वी पर तो किसी चीज की कमी भी नहीं, बंधु रत्न करवाए पृथ्वी, सब कुछ पृथ्वी में समाया हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि तुम किससे बात कर रही हो। नारद जी से बात कर रही है सत्य मामा जी, भूल गई इस बात को। बंधु नारद जी ने कहा, आप ये बताइए पहले, तुमको दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? बोले महाराज, हर शख्स को अपने प्राण प्रिय होते। बोले प्राणों से भी ज्यादा प्रिय क्या है? बोले महाराज, एक स्त्री के लिए प्राणों से ज्यादा प्रिय अपना पति होता है। बोले तो वही दे दो फिर दक्षिणा में, फिर देर किस बात की? अब तो सत्य मामा तो राधे राधे हंकी बक्की दीदी, ये क्या मामला? ए बाबा, तो मेरे से पहले अधिकार और रुक्मणी का भी तो है, जम्बवंती का भी तो है। बोले हम नहीं जानते, हमने जो दक्षिणा मांग ली वो देनी पड़ेगी, नहीं नरक में जाना पड़ेगा तुमको भी। अपने वचन को आप निभाइए। अब सत्य भामा तो राधे राधे के बाबा कोई विकल्प? बोले विकल्प एक ही है, जितना सोना चांदी रत्न तुम्हारे पास में है ठाकुर को तोल करके दे दो, ले जाऊंगा, ठाकुर को छोड़ जाऊंगा, रत्न ले जाऊंगा। अब पृथ्वी देवी सोच रही है कि मेरे पास में क्या कमी है अन्य धन की, मैं तोल दूंगी ठाकुर को। बंधु स्वयं सत्य भामा जो की पृथ्वी देवी का अवतार है, तराजू लगा करके मेरे ठाकुर को तोलना चाहती है। एक तरफ तो पृथ्वी की, अब पृथ्वी के अंदर कितने रत्न है जी, है सोने की खान है, चांदी की खान है, तांबे की खान है, हीरे मोती जवाहरात सब तो पृथ्वी के ऊपर है, समुद्र भी तो पृथ्वी के ऊपर है, यानी कि सारे रत्न तराजू के एक पलड़े में रख दिए, पर मेरे ठाकुर एक पलड़े में बैठे हुए हैं। बंधुओं को सारे रत्न तोल नहीं पाए, मेरा ठाकुर यही तो बता देना चाहता है सत्य भामा को, न मैं तेरे तन पे रीझने वाला हूँ, न मैं तेरे धन पे रीझने वाला हूँ। सत्य भामा, अगर मैं रीझता हूँ तो भाव के ऊपर रीझता हूँ। प्रेम से बोलो राधे। बंधु रुक्मणी जी आ गई, उन्होंने आकर के देखा, सत्य भामा की परीक्षा हो रही है, समझ गई सब बात को। अब स्त्री जाति जो है ना, ये पक्ष बहुत जल्दी लेती है जी। हमारे पुरुष भाइयों में झगड़ा हो जाए तो सोचेंगे, अगर तुमने किसी स्त्री से झगड़ा कर दिया ना, और 10 स्त्री उस बस में और बैठी, वो 10 एक तरफ हो जाएंगी, पुरुष भाई तुम्हारी तरफ नहीं होंगे। अब रुक्मणी जी राधे राधे आई, ये क्या हो रहा है? अब नारद जी राधे राधे नजरे चुराने लगे, मेरे ठाकुर ने भी सर नीचे कर लिया, क्योंकि रुक्मणी तो रुक्मणी ठहरी ना, जान गई सारी बात को। सत्य मामा चिंता मत करो, मैं समझ गई इनकी चाल, आप अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ये दो लोग एक तरफ, अब हम तीन लोग एक तरफ हो जाएंगे। सत्य मामा ने कहा, कैसे? बोले एक आप हो गई, एक मैं, और राधे राधे तीसरे नंबर पे तुलसी देवी को शामिल कर लो। बोले मतलब? बोले ठाकुर धन पे रीझने वाला नहीं है जो तूने तराजू में रख लिया, तेरे देह पे रीझने वाला नहीं है जो तेरे पास है। अरे ठाकुर रीझ जाएगा, एक तुलसी दल पर रीझ जाएगा, तू अपना सुंदर भाव लेकर के तुलसी माँ से जाकर के एक मिनट प्रार्थना तो कर, उनसे उनके सामने हाथ जोड़ करके निवेदन तो कर, हे प्रभु आज स्त्री जाति पर संकट आ गया, उसे दूर कर दो। बंधुओं गई सत्य भामा, तुलसी मैया को जाकर के प्रणाम किया, हे माँ आज मेरी परीक्षा है, और मेरी ही नहीं पूरी स्त्री जाति की परीक्षा है। मैया मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है देने के लिए, मैंने सब कुछ तराजू के पलड़े में रख दिया है, लेकिन मेरी बहन रुक्मणी ने मुझे जो आज्ञा दी उसका पालन कर रही हूँ। अब हमारी लाज मेरी ही नहीं बल्कि स्त्री जाति की लाज आपके हाथ में है। अब मैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तुलसी मैया प्रसन्न हुई, एक तुलसी का दल तोड़ करके लाई है। बंधुओं अब तो राधे राधे भजन वैसे भी बढ़ गया, अब नारद जी और ठाकुर जी की संख्या है 2, और इधर रुक्मणी जी हो गई, सत्य भामा हो गई, और तुलसी मैया हो गई। बंधुओं संख्या में भी भजन बढ़ गया, और जैसे ही रुक्मणी ने सत्य भामा की उंगली में लगी हुई अंगूठी उतरवाई, तुलसी दल उसमें लगाया, और सत्य भामा को समझाया कि नेत्र बंद करके प्रार्थना कर, हे ठाकुर मैं तुम्हें धन से नहीं तोल पाई, मैं अब तुम्हारे लिए, मेरे पास में ये बचा हुआ धन है, और ये धन क्या है? ये भावना रूपी धन है, ये भावना यानी मैं अपने आप को भी तुम्हें समर्पित करती हूँ। बंधु आज सत्य भामा ने अपने मन को समर्पित कर दिया है ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी तुल गए। प्रेम से बोलो राधे। बंधु अभी तक तो सत्य भामा
धन का अभिमान करती थी, तन का अभिमान करती थी, न धन धन को भी समर्पित कर दिया, तन को भी समर्पित कर दिया, लेकिन शक्ति भामा ने मन को समर्पित नहीं किया था। और जो तुलसी दल लेकर के बंधुओं मन को समर्पित किया है, तो बंधुओं मन में इतना वजन है भगवान को भी तोल देता है। प्रेम से बोलो राधे, भगवान तोल दे। तभी तो भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं मैं कबहूं न छोड़ूं साथ, सदा संग लागत फिरूं मैं कबहूं न छोड़ूं साथ। हमेशा मैं अपने भक्त के साथ रहता हूं, जो भक्त मुझे भाव से भरता है, मैं तो प्रेम दीवाना हूँ, जो मुझे प्रेम से पाना चाहता है मैं उसके पास होता हूँ। बंधु पता है उसके बाद में ठाकुर जी ने एक दिव्य लीला की। द्वारिका में ही रह रहे, द्वारिका का एक राजा जिसका नाम नृग, जिसने अनेकों गायों का दान किया, इससे गलती हो गई, एक दान की हुई गाय इसकी गायों में मिल गई, भैया उस गाय को दोबारा दान कर दिया। और जैसे ही दान कर रहा है ना, जैसे ही गाय को दान कर रहा है, तो जो मालिक जिसको पहले दान किया था वो मालिक आ गया। उसने कहा ये गाय तो मेरी, राजा तुम कैसे दान कर रहे हो? राजा ने कहा नहीं ये गाय मेरी है। फिर राजा ने कहा चलो कोई नहीं, तो मालिक है तो क्या, अब मैंने इसको दान कर दिया, अब इसको ये गाय ले जाने दो, और तुम ऐसा करो तुम्हारे लिए मैं 1000 गाय और दे देता हूँ। राजा कैसी बात करता है, मैं असंतोषी ब्राह्मण नहीं हूं, अरे मैंने एक गाय लेकर के संतोष कर लिया, मुझे यही गाय चाहिए। अब सामने वाला ब्राह्मण है वो भी कह रहा है महाराज मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी यही गाय चाहिए। दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा होने लगा, राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, नेत्रों से आंसू बहाने लगा, भगवान मेरे से यह अज्ञाने में अपराध हुआ है, कोई तो मान जाओ। लेकिन दोनों ब्राह्मण नहीं माने, श्राप दे दिया, राजन तुम गिरगिटों के जैसे रंग बदलते रहते हो, जाओ गिरगिट हो जाओ। मृत्यु हुई बंधुओं इस राजा की, धर्मराज के यहाँ पर पहुंचे। धर्मराज ने चित्रगुप्त आदि इन सबसे पूछा कि भैया बताओ इसके कर्मों का लेखा जोखा दो। उन्होंने कहा महाराज इसने एक अपराध किया है, वो अपराध भी अनजाने में हुआ है, दान देते समय हुआ है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए कर्म करते समय, पूजा पाठ करते समय, अच्छा कर्म करते समय, दान करते समय। बंधु पता है क्या पूछा इस राजा ने? बोले ये बताओ महाराज, जब धर्मराज ने पूछा राजा पुण्य का फल उपभोग करना चाहता है या पाप का, बोले ये बताओ फायदा किस में है? बोले धर्मराज से ही फायदा पूछता है। अब बंधु एक बात मैं बताऊं, हालांकि ये राजा बड़ा बुद्धिमान है, समझ लो गायों की सेवा करता है तो गौ पुत्र है, गौ की कृपा है, अचानक इसके दिमाग में घूमा कि मैं पुण्यों का उपभोग तो बाद में करता रहूंगा, एक पापे के लिए इसका उपभोग कर लेता हूं। गिरगिट बना दिया, द्वारिका के ही जंगलों में डाल दिया एक कुएं में। अब मेरे ठाकुर के जो पुत्र थे सांब आदि बंधुओं हो गए, और जैसे ही उन्होंने उस कूप में जल देखना चाहा, उस कुएं में जल तो दिखाई नहीं दिया, बंधुओं ये गिरगिट दिखाई दे गया। निकालने का प्रयास किया, निकाल नहीं पाए उस गिरगिट को। पता है मेरे ठाकुर को बुला करके ये बालक लाए, उन्होंने जैसे ही हाथ लगाया है ये गिरगिट दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर ने पूछा कौन हो? बंधु इसके अभिमान की भू अभी तक नहीं गई, तो पता है इसने अपना परिचय कैसे दिया है कि नगो नाम नरेन्द्रोह इच्छा कुतनय प्रभो। महाराज मेरा नाम नरेन्द्र है, इच्छाकु का पुत्र हूं, और आपने सुना होगा मैंने बहुत सारी गाय दी है, जितने आकाश में तारे पृथ्वी पर रजकर। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना बंधुओं की इतनी गाय आएंगी कहां पृथ्वी के रजकणों के समान, बंधुओं उन गायों को दान करने के बाद में इतना पुण्य प्राप्त हो, समझ लीजिए इतनी गायों का दान। क्योंकि आप एक गाय का दान करेंगे, अगर आप अपने घर पर दान करते तो उस गाय का दान होगा एक,
और अगर वही गाय आप तीर्थ में जाकर के दान कर दे तो उसका प्रभाव क्या होगा? 100 गायों के बराबर। अगर वही गाय आपने किसी धाम में जाकर के दान की तो उस गाय का दान समझ लो अनंत गायों के समान, अनंत गाय आपने दान की है। राजा भी यही समझा देना चाहता है कि मैंने अपने घर पर नहीं, मैंने तीर्थों में, मैंने धामों में जाकर के गायों का दान किया है। जब भगवान का एक नाम लेने पर तीर्थ में और धाम में, इसीलिए तो लोग तीर्थों में धामों में जाकर के कथा करवाते हैं क्यों जी? अरे वहां जाकर के अनंत गुना पुण्य मिलेगा, एक बात। और दूसरी बात, अगर हम वहां चले जाएंगे तो फिर शांति से कथा सुनेंगे, 7 दिन बाद में ही राधे राधे जाकर के देखेंगे कि हमारे बिजनेस का क्या हाल है। नहीं, हाँ, ठाकुर के भरोसे छोड़ करके चले जाएंगे। ठाकुर तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तो तेरी कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ, मैं तो तेरी कथा का आयोजन करवाने के लिए जा रहा हूँ। एक तो पुण्य अनंत गुना, और दूसरा बंधु ठाकुर की पूजा तीर्थ में और धाम में करो तो अलग ही आनंद आता है। प्रियाओ, आज इसकी मुक्ति मेरे ठाकुर के हाथों हो गई और ये व्रत चला गया भगवत धाम के लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तदुपरांत भगवान के परम प्रिय मित्र सुदामा की कथा आती है। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मभिन्नमा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय। मेरे ठाकुर ने बंधुओं गृहस्थ धर्म का पालन किया और गृहस्थ धर्म में रह करके हर नियम का पालन किया, जैसे राम जी ने किया वैसे ही मेरे श्याम जी ने किया। जैसे राम जी करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाम महिमा था। मेरे ठाकुर की जो दिनचर्या है ना, वो भी बंधु हो यही है। नारद बाबा इस चीज को देखने के लिए आए, एक बार तो राधे राधे परीक्षा भी करने के लिए आए थे नारद जी कि ठाकुर के इतने विवाह हो गए, इतने बच्चे हो गए, कैसे पालन पोषण करते हो। नारद जी ने आकर के देखा तो राजे राजे दिमाग घूम गया, आंख बंद करके बैठ गए। बोले महाराज, आपकी माया को आप ही जानो। ठाकुर ने वरदान दिया, तब जाकर के नारद बाबा के मन को शांति मिली। अब ये प्रश्न तो खैर आपके और मेरे मन में भी आएगा कि 16108 तो घर वाले, उसके बाद में 10-10 बच्चे, लड़के एक एक छोड़ी, भगवान कैसे पालन करते होंगे? ये संशय वाली बात है ना। अब तो संशय है ना, बड़ी कठिन बात है। अरे एक घरवाली के मारे सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए है ना, और ये 16108। एक घरवाली नचावे बंदर की तरह बिना डमरू बजाए, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, आदमी कभी इधर कभी उधर कभी इधर, चलो कोई नहीं, अच्छा है। अरे भाग्यशाली लोग ही नाचते हैं जी, प्रेम से बोलो राधे। हाँ भैया,